हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम अविनेश है और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के लिए एक क्रिएटिव डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अपने फोटोशॉप सॉफ्टवेयर पर और यहाँ पे हम लोग आज का अपना क्रिएटिव डिज़ाइन करने वाले हैं। और यहाँ पे हमेशा की तरह मैंने एक कार्डबोर्ड लेकर रखा है जिसका साइज़ 1080x1080 है। आप सभी जानते हो कि सोशल मीडिया पर जो भी हम पोस्ट करते हैं उसका साइज़ 1080x1080 में ही होता है, जो कि आप इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पर भी पोस्ट कर सकते हो। तो हम लोग भी सेम इसी साइज़ में बनाने वाले हैं, ठीक है। और हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको उस सारे PNG को दिखा दे रहा हूँ जिसको हम लोग आज के इस पोस्ट में यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ कंटेंट है, इन कंटेंट को हम लोग आज के इस क्रिएटिव में यूज़ करेंगे, ठीक है। आप इन सबको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके इन सबको डाउनलोड कर सकते हो। और ये जब पोस्ट रेडी हो जाएगा तो इसका PSD लिंक भी आपको मिल जाएगा सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, आप उसे भी फ्री में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, जो जो मेरे चैनल पर पहले विजिट कर रहे हो या फिर जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको बहुत तरह तरह के क्रिएटिव डिज़ाइन देखने को मिलेगा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपना क्रिएटिव डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना एक बैकग्राउंड क्रिएट करूँगा। और बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ एक PNG रखा है ये, ठीक है। ये फ्लैग तरह का ही PNG है, इससे हम लोग अपना बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं सिंपली इसमें ड्रॉप कर दे रहा हूँ तो ये हमारा यहाँ पे एक शेप आ चुका है, ये PNG है। मैं अगर इसको हाइड करूँगा तो अब देखो इसका जो शेप है वो PNG फॉर्मेट में है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको रिस्टराइज कर लेता हूँ। और रिस्टराइज करने के बाद मैं इन दोनों को अलग अलग कर लूँगा, ठीक है। अभी ये एक इमेज में दोनों हैं बट मुझे चाहिए ये दोनों अलग अलग, ठीक है। सिंपली क्या करूँगा, मैं लेसर टूल लूँगा और इसको सेलेक्ट करके किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है, Ctrl+C। बैक स्पेस दबाओगे तो डिलीट हो जाएगा और Ctrl+V करोगे तो सेम पेस्ट हो जाएगा, यानी ठीक है। यानी कि एक इमेज से ये अब दो इमेज बन चुका है, ठीक है। सो इससे हम लोग क्या करने वाले फ्रेंड्स, अपना हम लोग बैकग्राउंड क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा ऊपर यहाँ पे एंड इसका साइज़ मैं इंक्रीज करूँगा कुछ इस तरह से, थोड़ा नीचे। परफेक्ट, ये हमारा एक जो टॉप का जो फ्लैग का जो हमारा होता है केसरिया रंग, वो हम लोग यहाँ पे लगा चुके हैं। वाइट तो हमारा बैकग्राउंड है ही तो हम लोग बीच में वाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जो हमारा हरा रंग है उसको हम लोग लगा लेते हैं। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रैग करके इसको मैं बड़ा कर लेंगे एंड डन, ठीक है। सो एक तरह से ये हमारा फ्लैग बन गया है, ठीक है। इसमें अशोक चक्र हम लोग लगाएंगे एंड जो बाकी के डिटेलिंग हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सो अभी हमारा एक तरह से बैकग्राउंड क्रिएट हो गया। और अब क्या करेंगे, इन दोनों फ्लैग का जो ओपेसिटी है उसको हम लोग कम करते हैं, ठीक है। अप्रोक्स देख लेते हैं कितना पे सही होगा, 53, ठीक है। बट केसरिया का थोड़ा सा और कम करेंगे हम लोग। परफेक्ट, सो ये हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड बन गया है। अब बारी है इन जो सारे एलिमेंट है इन सबको यूज़ करना, कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और क्या थीम हमारा क्रिएट होता है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेंटर पे मैं एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा और यहाँ पे इसका मैं स्ट्रोक यहाँ से बंद करता हूँ, मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए। फिल में मुझे ब्लू कलर चाहिए तो मैंने फिल में ब्लू कलर रख लिया, स्ट्रोक मैंने इसका बंद कर दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ लाइन, ठीक है। इसको सेंटर में कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा नीचे करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक लाइन बन गया है। इस लाइन के ऊपर हम लोग सारे जो एलिमेंट्स है उसको एडजस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्रिएटिव कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मैं बारी बारी से एक एक करके अपना यहाँ से एक एक एलिमेंट को उठाऊंगा और वहाँ पर ले जाके एडजस्ट करूँगा, ठीक है। एक एलिमेंट हमारा आ चुका है, छोटा करेंगे इसको एंड कुछ इस तरह से ड्रॉप करेंगे। उसी तरह से बारी बारी से मैं सारा एलिमेंट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ।
फिर मैं आगे का आपको प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हमारे सारे यहाँ पे शेप लग चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सबको करते हैं ग्रुप में, और ग्रुप में करने के बाद ये सबको हम लोग सेंटर अलाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर में आ चुका है, और ये दोनों का ये जो और ये जो दोनों साइड में थोड़े थोड़े स्पेस आ रहे हैं, ये मैंने किसी काम के लिए छोड़ा है। पहले आप देखो यहाँ पर भी थोड़े से स्पेस ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और नज़दीक करेंगे ताकि दोनों का स्पेस सेम रहे, ठीक है। इसको भी पास करेंगे अभी, ठीक है। मतलब स्पेस सबका लगभग लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो अभी ये दोनों साइड का जो स्पेस है, वहाँ पे हमारे जो देश का जो सोल्जर्स हैं उनका भी इसमें कुछ हम लोग छवि लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे एक सोल्जर का एक वेक्टर PNG रखा हूँ, जिसको मैं सिंपली ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ ड्रॉ। छोटा कर लेंगे इसको कुछ इतना। इस PNG को हम लोग सबसे बाहर रखेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के सैनिक है, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बॉर्डर पर रहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए इसको हम लोग रखेंगे लास्ट में, ठीक है। एंड अब क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपली इसको ड्रैग करना है और यहाँ पे लेकर ड्रॉप करना है, कुछ इस तरह से कंट्रोल टी करना है, राइट क्लिक एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड में हमारे सैनिक आ चुके हैं, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ हम लोग टेक्स्ट वगैरह भी लिख लेते हैं। तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट रखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे हम लोग 15 अगस्त, ठीक है। यहाँ 15 अगस्त लिख ले रहे हैं हम लोग, यानी 15 अगस्त। इसका जो TNH है इसको हम लोग स्मॉल में करेंगे, TH, एंड इसको टॉप कर देंगे, ठीक है। 15 साइज बड़ा करेंगे इसका, सेंटर। अब जो नीचे का टेक्स्ट है उसे भी हम लोग लिख लेते हैं इसी तरह से। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख लिए हैं, और जो हैप्पी क्या है इसको थोड़ा सा ना हम लोग सिग्नेचर स्टाइल में करने वाले हैं। सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेंगे और आएंगे अपने फॉन्ट में, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फोटोग्राफ सिग्नेचर, एक फॉन्ट का नाम है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो ईजिली आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कॉमेंट करना, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा जहाँ से आप इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो उसके नीचे अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या करता हूँ कि एक छोटा सा लाइन लिख लेता हूँ, ये भी लाइन मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखा हूँ। सिंपली मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। सो यहाँ पर टाइप टूल लेते हैं, सिंपली क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल भी करेंगे, तो हमारा यहाँ पे वो जो हमारा कंटेंट है वो आ जाएगा। इसको हम लोग करते हैं सेंटर। सो फ्रेंड्स अब क्या करते हैं, ये भी हमारा सिग्नेचर स्टाइल में है। सबसे पहले इसका हम लोग फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेते हैं। मेरा एक फेवरेट फॉन्ट फैमिली है नाउ, उसको भी आप गूगल पे सिंपली सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत प्रोजेक्ट्स में यूज़ भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग सेम वही फॉन्ट फैमिली रखने वाले हैं। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फॉन्ट में आता हूँ, और यहाँ पे देखो एक फॉन्ट मिलेगा नाउ, सिंपली क्लिक करना है। एंड इसका जो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो रेगुलर रखना है, या फिर मीडियम भी रख सकते हो, मैं रेगुलर रखूँगा। और पैराग्राफ में इसको हम लोग सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा सारा चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ पे एक हम चीज़ सोचते हैं, एक ग्राफिक्स है तो कुछ ना कुछ सोच से हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये हमारा केसरिया रंग का हो गया, और ये हमारा हो गया ब्लू, जो हमारा जो चक्र होता है वो हो गया ब्लू। और नीचे हम लोग क्या रखना चाहे, ऑब्वियसली ग्रीन रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टेक को सेलेक्ट करता हूँ, और इसका कलर जो है वो मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ, थोड़ा डार्क ग्रीन करूँगा ताकि दिखाई दे, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंटेंट भी आ जाएगा, और एक तरह से हमारा यहाँ फ्लैग भी बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ बर्ड्स लगाते हैं, जो मैंने PNG आपको दिखाया था, ये बर्ड्स। सिंपली मैं इसको करता हूँ क्लिक, और यहाँ पर करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप, छोटा कर लेंगे इसको, एंड इसको हम लोग यहाँ रखेंगे, कंट्रोल टी फ्लिप डन। सो इतना हमारा हो गया। अब इसमें क्या कर लेते हैं, अपना लोगो एंड नीचे अपना फोटो लगा लेते हैं फटाफट, तो भी हम जल्दी से कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा लोगो एंड फूटर लग गया, और इसी के साथ ये पोस्ट हमारा होता है कंप्लीट। अगर पोस्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इस सबका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर लो। मैं मिलता हूँ कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।